जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग अनुपात पढ़ रहे थे। अनुपात में हम लोगों ने अनुपात से संबंधित तीन टाइप का प्रश्न जो बनता था वो हम लोगों ने पिछले तीन वीडियो में देखा था। आज हम लोगों का जो है वो थंबनेल से पता चल रहा होगा, क्लास फोर है रेशियो का। रेशियो में कुछ प्रश्न आते हैं मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती करके, तो उससे रिलेटेड आज का क्लास होगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट की ओर कि अगर तृतीयानुपाती हमसे पूछा जाए, मध्यानुपाती पूछा जाए, तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपसे तृतीयानुपाती पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, तृतीयानुपाती पूछ दिया जाए या मध्यानुपाती, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जो अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी अगर इसको बेसिक तरीका से निकाला जाए तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो एक दो बातें हम लोगों को याद भी रखना चाहिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है मध्यानुपाती का। फॉर्मूला मध्यानुपाती का क्या होता है फॉर्मूला, और एक तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती का क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। और तृतीयानुपाती का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए, जहां पर ए और बी क्या होते हैं, ए जो होगा वह पहली संख्या, जो पहली राशि दिया रहेगा पहली संख्या, और बी जो होगा वो क्या होगा आपका दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बी जो हो जाएगा वो दूसरी संख्या हो जाएगी। तो बस हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके आराम से मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती निकाल लेंगे। चतुर्थानुपाती भी पूछा जाता है, प्रथम समानुपाती भी पूछा जाता है, तो वो सब हम लोग बेसिक से ही निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हाँ, तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती पूछा जाए उसमें अगर हम लोग बेसिक यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को क्यों बिना काम का टफ करेंगे। तो कुछ बातें हम लोग बस ध्यान रखना है क्या, तो मध्यानुपाती तो अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपाती तो बी स्क्वायर बाय ए, जहां पर ए जो होगा वो पहली संख्या और बी जो होगा वो दूसरी संख्या होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी लगातार इस पे क्वेश्चन कर रही है इस कॉन्सेप्ट पर, तो हम लोग इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन अभी तक आया है उसको देखते हैं। चलिए जैसे इसी प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपाती क्या होगा। 10 और 20 के लिए तीसरा मतलब तृतीय अनुपाती आपसे पूछ रहा था। अभी तुरंत हम लोग तृतीय अनुपाती के लिए फॉर्मूला लिखे थे, क्या होता है तृतीय अनुपाती बराबर तो बी स्क्वायर बाय ए, जहां पर बी दूसरी संख्या और ए पहली संख्या। तो बोलिए 10 और 20 में दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 20, तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20 बटा में ए, ए मतलब प्रथम संख्या मतलब 10, 10 से 20 दो बार में कटेगा तो 20 दुनी 40, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 40, मतलब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 40, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी तरह के कुछ और भी प्रश्न हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे लेवल को ऊपर ले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्य समानुपातिक 18 और तृतीय समानुपातिक 144 है। हम लोगों को यहाँ पर दो संख्या दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने से बेहतर है कि ऑप्शन से इसको बना लें। दो संख्या के बारे में हमको यहाँ दे ही रखा है, हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है जिसका मध्य समानुपात क्या हो जाएगा 18 और तृतीय समानुपात 144, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ज्यादा आसानी है। तो चलिए हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है मध्य समानुपात का, तो मध्य समानुपात का क्या होता है, तो मध्य समानुपात का होता है आपका बी स्क्वायर बाय ए। मध्य समानुपात का क्या होता है बी स्क्वायर, सॉरी मध्य समानुपात का होता है अंडर रूट ए बी, और आपका तृतीय समानुपात जो होता है वो क्या होता है आपका बी स्क्वायर बाय ए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर बाय तृतीय समानुपात, देखिए तृतीय समानुपात 144, देखते हैं तृतीय समानुपात जो 144 है वो किस ऑप्शन में आता है। जैसे अगर 6 और 42 को चेक करें तो क्या 6 और 42 में तृतीय समानुपात 144 आएगा, नहीं आएगा। कैसे, तो 6 इसका जो होता है बी स्क्वायर बाय ए होता है, मतलब 42 गुना 42 बट्टा में 6, तो 6 सते 42, देखिए 7 गुना करेंगे 280 के आसपास आएगा, जबकि हमारा 144 दिया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 9 और 36, तो 36 का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर, अब बाय में फिर क्या हो जाएगा 9, 9 से भाग करेंगे 9 चौका 36, 36 नौ 144,
देखिए पूर्ण रहा है ना 144, तो 9 और 36 में पूर्ण रहा है 144, तो तृतीय समानुपाती 144 निकल रहा है किसका, 9 और 36 का। हम बोले जरा ऐसा मध्य समानुपाती भी चेक कर लेते हैं। मध्य समानुपाती का जो होता है वो होता है रूट अंडर ए बी, तो आपका जो ऑप्शन था क्या था, 9 और 36, तो रूट अंडर ए भी 9 गुना 36, तो 9 गुना 36 क्या होता है आपका 324, और 324 का रूट क्या रहिएगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो देखिए तृतीय समानुपात मध्य समानुपात जो है वो आपका 18 दे भी रखा है, मतलब तो आपका जो ऑप्शन दो है 9 और 36 उसका तृतीय समानुपात 144 निकल रहा है और मध्य समानुपात 18 निकल रहा है, मतलब यही ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दो नंबर 9 और 36। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 10.8 एवं 4.8 के मध्य समानुपाती एवं 2 तथा 4 के तृतीय समानुपात का योगफल क्या होगा, योगफल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब हमसे मध्य समानुपात पूछा जाए और क्या पूछता है तृतीय समानुपात तो हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए देखिए, तो निकालते हैं हम लोग मध्य समानुपात पहले, फिर तृतीय समानुपात निकालते हैं, फिर जो कहेगा योगफल उसका योगफल हम कर लेंगे। तो 10.8 एवं 4.8 का मध्य समानुपात, तो मध्य समानुपात का क्या होता है फॉर्मूला, तो मध्य समानुपात का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10.8, ए के जगह यही है ना, और बी के जगह क्या है आपका 4.8, तो 10.8 × 4.8, अब फिर और किसका है, तो 2 तथा 4 का तृतीय समानुपाती, तो तृतीय समानुपाती क्या होता है बी स्क्वायर, यहाँ पर बी कौन है 2 और 4 में, तो 4, तो 4 × 4 बी स्क्वायर बाय ए में 2 हो जाएगा। तो इसका हमको योगफल पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है योगफल, तो जोड़ देंगे। अब चलिए निकालते हैं, इसका अगर हम दशमलव उड़ा दें तो नीचे में क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, इसका भी दशमलव उड़ा दें तो नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, रूट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए अब कट रहा है, ये कट रहा है 108 54 2 से 54 बार में और ये 10 5 बार में, यहाँ भी ये कट रहा है 24 बार में 2 से और ये 5 बार में। चलिए अब ऊपर गुना करते हैं, तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमको रूट में निकालना हो तो हम इसको फैक्टराइज करके लिखते हैं। 54 को हम लोग क्या लिख दें, 9 गुना 6 लिख सकते हैं 54 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 5 गुना 5, तो फैक्टोराइज इसलिए कर लिए ताकि हम पेयर लगा के जोड़ा लगा के इसको बाहर कर लेंगे रूट से, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी कितना निकलेगा 8 निकलेगा। तो चलिए अब बाहर निकालते हैं, तो 9 का बाहर निकलेगा 3, 6 पेयर में है तो 6 बाहर निकलेगा, और 4 का क्या निकलेगा 2 निकलेगा, 4 का 2 ही ना होता है रूट। चलिए और 5 का पेयर 5 निकल जाएगा, इतना प्लस 8। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 6 × 3 = 18, 18 × 36, 36/5 प्लस 8 आपका सही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन तो डायरेक्ट दे रखा है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 36 कट जाएगा आपका 7 दशमलव कितने बार में, 2 बार में, तो 7.2 + 8 मतलब 15.2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, 1 में, कितने में है 1 में, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 15.2। तो चलिए इसी तरह का कुछ और प्रश्न देखते हैं, तो सभी लोग प्रैक्टिस जो कीजिए, जो भी यहाँ टाइप बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो हमको बार बार ये चीज बोलना पड़ रहा है कि जो भी टाइप यहाँ बताया जा रहा है आप उस टाइप का किरण बुक से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जहां भी प्रॉब्लम आएगा। ऐसे तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को क्लास के बाद प्रॉब्लम आएगा प्रैक्टिस में, फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को भेजिए, आप लोगों को लाइव सेशन में आके उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। दूसरी बात, तो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पर अभी बिहार SSC जो सचिवालय सहायक का वैकेंसी निकला है उसके लिए स्पेशल सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, बहुत ही लो बजट में, मात्र 180 रुपया में आपको 6 महीने के लिए दिया जा रहा है कोर्स, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और GKGS वहां से बहुत मजबूत कीजिए, सेट प्रैक्टिस भी वहां चलेगा, मैथ रीजनिंग GKGS सब आएगा। टेलीग्राम चैनल पर 4 सेट डेली लग रहे हैं अलग अलग चैप्टर के, तो आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा करें। तब तक हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है,
कारण यदि 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएंगे। अब ये इसमें क्या घटाया जाए, x घटाया जा रहा है तो वो समानुपात में हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है तो x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच मध्यानुपात में। तो पहले तो x हमको निकालना पड़ेगा, x तो निकल जाएगा, फिर यहाँ वैल्यू पुट करके जो भी संख्या प्राप्त होगा उसका मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती के लिए आपको दो संख्या चाहिए ना, मध्यानुपाती का रूट अंडर ए बी फॉर्मूला होता है, तो ए और बी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए और बी दिया नहीं है। ए और बी तब पता चलेगा जब यहाँ पर x का वैल्यू हमको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग पहले x का वैल्यू फाइंड करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, 23, ये जो 23 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए 23 और क्या है 39, फिर 32 और 56, ये समानुपाती, मतलब पहले अनुपात के रूप में समानुपाती अगर होंगे तो बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर तब होंगे, मतलब समानुपाती तब होगा जब इससे x घटाया जाएगा। अभी ये समानुपाती तो नहीं है, तो बोले x इससे घटाया जाएगा। अब x की जगह कोई भी संख्या हो सकता है, हमको तो पता नहीं है कि कौन सा संख्या है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब लगाएंगे तो फिर द्विघात समीकरण पे ये क्वेश्चन चला जाएगा। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। उससे बेटर क्या है, हम लोग अपने मन से यहाँ x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और पुट करके देखते हैं कि किस वैल्यू पे दोनों इक्वेशन जो है वो क्या होता है समीकरण, मतलब दोनों पार्ट जो है वो समानुपाती हो जाए। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 यहाँ अगर डालेंगे तो 23 में से 1 गया 22 हो जाएगा। अब यहाँ 22 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 से 1 गया 31, 22 31 तो कटेगा नहीं, मतलब कभी भी ये समानुपाती नहीं हो सकता है। यहाँ 22 यहाँ 31, 31 कटेगा नहीं तो 22 कभी बन नहीं सकता, 22 या तो 11 बनेगा, 31 तो कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब कभी समानुपाती नहीं हो सकता। 2 लेते हैं, 2 गया यहाँ 23 से 2 गया तो 21, और यहाँ 2 गया तो 30, तो 21 30 हो सकता है, बन सकता है, लेकिन नीचे जैसे ही डालेंगे 2 वैल्यू 39 में से 2 गया 37, तो बोले 37 तो कटेगा नहीं, 37 का 37 ही रहेगा, तो यहाँ पर तो 37 कभी आएगा नहीं, 56 में से 2 गया 54, तो 37 तो आएगा नहीं, मतलब कभी समानुपाती नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 डालने पर क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 3 डालने पर 29 हो जाएगा, तब फिर 29 कभी भी 20 नहीं बन सकता, तो ये भी आपका नहीं होगा। 4 डालते हैं, 4 23 में से 4 गया 19 होगा, 35 39 में से 4 गया 35 होगा, यहाँ 32 में से 4 गया आपका क्या बन जाएगा, 32 में से 4 गया 28, अब यहाँ 19 यहाँ 28, 19 भी एक आभास संख्या है, वो भी कभी 28 नहीं हो सकता है, उसका भी कहीं फैक्टर करने पे या मल्टीपल करने पे 28 नहीं आएगा, तो बोले 19 को भी 28 नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा। तो चलिए 5 चेक करते हैं, तो 23 में से 5 गया कितना बचता है, 23 में से 5 गया आपका 18 बच रहा है, 39 में से 5 गया आपका कितना बच रहा है 34 बच रहा है, 32 में से 5 गया कितना बच रहा है 27 बच रहा है, 56 में से 5 गया कितना बच रहा है 51 बच रहा है। तो देखिए काटते हैं 9 से 2 से काटते हैं, 9 दूनी 18 ये 17 दूनी 34, 27 काटते हैं 3 से, 9 किया 27 51 काटते हैं 3 से 17 51, देखिए दोनों कंडीशन में 9 बटा 17 मतलब इक्वेशन हमारा जो था दोनों तरफ क्या हो गया समानुपाती हो गया। तो किसको घटाने पे, तो 5 को घटाने पे। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मन में इतना कब तक करते रहे, तो ज्यादा बड़ा संख्या नहीं दिया जाता है यहाँ पर, नहीं तो इसको बेसिक तरीका से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएगा, तो उससे बेटर है हम लोग यहाँ पर मन में तेजी से ऑप्शन पुट करके इसको कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों को पता चलेगा कि 5 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे, अब x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का मध्यानुपाती पूछ रहा है, मध्यानुपाती मतलब रूट में आ जाएगा, मध्यानुपाती मतलब रूट में आ जाएगा। तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 गुना यहाँ 5 रखेंगे तो 5 किया 15 16 हो जाएगा, तो रूट अंडर 9 गुना 16 मतलब रूट अंडर 144, और 144 का जो मान होता है रूट में कितना होता है 12 होता है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, बेसिक इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा हम ऑप्शन अपने मन से डाल सकते हैं। मन से डालने पर ये होगा, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन जब कैलकुलेशन आपका बढ़िया हो जाएगा तो आप मन से ही इसको कर लीजिएगा, बहुत कम समय में आप इसको कर लीजिएगा, नहीं तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसको सॉल्व किया जाएगा तो फिर ये थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम इसी तरह का पूछा गया है टाइप 2 में 2018 में,
19 में भी पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है, ये सभी में जोड़ा जा रहा है, अब की बार उसमें घटाया जा रहा था, इसमें जोड़ा जा रहा है, तो फिर समानुपाती होना चाहिए, तो 2/3 और 30/35 बनना चाहिए। अब x की जगह आप क्या डालिएगा, x की जगह क्या डालिएगा कि ये दोनों समानुपाती हो जाए, ये दोनों टर्म क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो हम बोले चेक कर लेंगे वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अच्छा मन में वैल्यू चेक कर लेना। तो चलिए एक हम डालते हैं, तो 2 1 3 30 1 31 कभी नहीं 31 3 बन सकता है, छोड़ दीजिए, 2 दीजिए 2 2 4 ये 32 हो सकता है, ये 3 2 5 ये 3 2 5 ये 35 और 2 37 37 कभी भी 5 नहीं बन सकता, तो 2 भी खत्म हो गया, 3 देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 30 और 3 33 तो 5 कभी भी 33 नहीं बन सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 देते हैं 4 2 6 तो यहाँ 34 तो हो सकता है, लेकिन यहाँ जैसे ही 4 देंगे 3 पे 4 देंगे तो 3 और 4 7 हो जाएगा, और ये 35 और 4 39 तो 7 कभी भी 39 नहीं हो सकता, मतलब 7 4 भी आपका आंसर नहीं होगा। 5 डालते हैं तो 5 2 7 फिर 5 3 8 7/8 बन रहा है 5 डालने पर, इधर 30 5 35 फिर 35 5 40 बन रहा है, देखिए इसको काटिएगा 5 से तो 5 7 35 5 8 40, देखिए दोनों तरफ समानुपाती आ गया ना 7/8 7/8, तो आराम से हम लोग 10-15 सेकंड में चेक कर लेंगे इसको। अब चेक कर लिया हमको पता चल गया x की जगह क्या रखे थे, 5 रखने पर दोनों समानुपाती हो रहा है, तो बस अब सॉल्व कर लेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है, x+7 और x-2 का मध्य समानुपाती, तो वही बात, x की जगह अगर 5 रखेंगे तो 5 और 7 कितना 12, ए हो गया 12 और बी कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 तो 12 दिया 36, 36 का क्या होता है 6, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 6, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है 3 4 9 का चतुर्थ अनुपात तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। अब देखिए मध्यानुपाती का हम लोग जान रहे हैं कि क्या होता है, अंडर रूट ए भी होता है, लेकिन चतुर्थ अनुपात अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, तो चतुर्थ अनुपात समझ लेंगे, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर 3 4 ठीक है ना, फिर 9 और चौथा संख्या हमको जब तक नहीं आया तब तक अनुपात पूरा नहीं होगा, तो अब यहाँ पर हमको चौथा पता नहीं है, तो चौथा के लिए हम x मान लेंगे। अब ये दोनों क्या है समानुपाती होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए समानुपाती होना चाहिए। चलिए हम निकाल लेते हैं, तो x गुना 3 हो जाएगा और 4 × 9 हो जाएगा, तो 3 से 9 कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या निकल गया आपका 12, क्या निकल गया 12, तो x का वैल्यू आपको पता चल गया कि x की जगह क्या होगा 12, मतलब चतुर्थ अनुपाती जो होगा वो 12 होगा। 3 4 9 का जो चतुर्थ अनुपाती होगा वो क्या होगा आपका 12 होगा। तो क्या कह रहा है, चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात, ये तो 12 हो गया, अब इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए भी होता है, मतलब 2 × 98 2 × 98 कितना होता है 196, 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो मतलब यहाँ से 14 निकल जाएगा आपका, कितना निकल जाएगा 14, तो 12 अनुपात 14 कट जाएगा, 6 × 12 7 × 14, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 6 अनुपात 7, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो बिहार एसएससी के लिए ये स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, इसमें टाइप वाइज करते हुए चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा और पूरे सिलेबस 3 से 4 महीना के अंदर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, और 25 में 25 मैथ का गारंटी रहेगा, रीजनिंग में 50 में 50, मतलब आप 75 क्वेश्चन को एकदम अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसलिए कंटिन्यू क्लास कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त लोगों को बीच में बताइए कि इस चैनल पर आप कंटिन्यू, और आपको सही चीज़ मिलेगा, ये नहीं कि ऑनलाइन के जमाने में जो ठकने वाला काम होता है वो इस चैनल पे नहीं होगा, आपको A to Z मटेरियल के साथ कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप 75 में ज्यादातर स्कोर कर पाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि 2x+1 x+2 2 और 5 ये सब क्या है समानुपात में है, तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, मतलब मध्यानुपाती निकालना है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो पहले तो कौन को समानुपात में है, तो 2x+1 और x+2 तो ये बाय में आ जाएगा,
फिर 2 और 5 ये आपस में क्या है समानुपात में, तो समान अनुपात तो अनुपात जो बराबर हो, तो बराबर कर दिया अनुपात लिख के। अब कहने का मतलब जब तक x नहीं फाइंड होगा तब तक तो मेरा वैल्यू निकलेगा नहीं, तो पहले हम x निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जिसको हम लोग कैंचिया गुना बोलते हैं, कैंचिया गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, 5 × 10x + 5 फिर 2x + 4। अब इधर x को लाएंगे तो इधर 8x हो जाएगा, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या निकल रहा है -1/8। तो x का वैल्यू हम लोगों का -1/8 निकल रहा है। अब चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, तो x फाइंड हो गया हम लोगों का, हमको जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। कह रहा है मध्यानुपाती निकालने के लिए, मध्यानुपाती मतलब रूट अंडर AB का ना फॉर्मूला लगेगा, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं 3.5 × 1 - 1 - 1/8। x का वैल्यू माइनस में आया था ना, -1/8 ठीक है, फिर इंटू 8 × 1 + -1/8। चलिए वैल्यू पुट करके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग देखिए फिर से रूट डालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 3.5 को 3.5 ही लिखते हैं क्या, दशमलव उड़ा दीजिए तो बटा में 10 आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 × 1 = 8, 1 = 9, 9/8 यहाँ से निकलेगा। चलिए इंटू यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 8 × 1 = 8, 8 में से 1 गया 7, मतलब 7/8, 8 × 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, तो सिर्फ 7 बचेगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। या अगर आप एक स्टेप और इसको लिखें तो आप इसको क्या लिखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो 8 × यहाँ से निकलेगा 7/8 बोलेंगे 7/8, अब 8 से 8 कट जाएगा ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 से कट रहा है, 5 × 7 = 35, ये 5 × 2 = 10। चलिए अब क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से आपका क्या निकल रहा है 7 × 9 × 7, मतलब 7 × 9 × 7, और नीचे में आपका क्या बच रहा है 8 × 16। तो आप ही बताइए 7 का पेयर बन जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, उसी तरह से 9 से 3 बाहर आ जाएगा, और बट्टा में 16 से 4 बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 × 21/4, तो 21 में जब 4 से भाग कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 5.25 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, 5.25। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 12, 16, 6 के चतुर्थ अनुपात और 4, 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें। देखिए तो ये लगातार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए 2021 में सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है, तो हम लोग को धीरे धीरे क्या करना है टाइप वाइज ही पढ़ना है। टाइप वाइज से क्या होगा आपको मैथ पे कमांड होगा ठीक है, मिसलेनियस पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, टाइप कंट्रोल में ही कभी नहीं आएगा, और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है टाइप वाइज, हम लोग टाइप वाइज करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, और कमांड भी हो जाएगा ताकि हम लोग 25 में मैक्सिमम स्कोर करके आए ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को, तो 12, 16, 6 के चतुर्थानुपात, तो अभी तुरंत चतुर्थानुपात निकाले थे, क्या निकालते हैं मान लेंगे चतुर्थानुपात नहीं मालूम है तो x होगा, तो रेशियो लिख लेंगे 12/16 फिर 6/x, ये चतुर्थानुपात हो गया, हमको नहीं पता पहले x निकाल लेते हैं, तो x आपका कितना आ जाएगा, तो 12x = 6 × 16, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 6 × 16 बट्टा में क्या चीज 12, तो 6 × 12 कटेगा, 2 से 16 8 बार में कटेगा, मतलब आपका x का वैल्यू 8, मतलब चतुर्था अनुपात जो निकला 8। तो हमसे हमको तो पूछा है चतुर्था अनुपात और किसका रेशियो, तो 4 और 6 के तृतीय अनुपात, तो 4 और 6 का तृतीय अनुपात जो होता है वो होता है b² मतलब 6 × 6/a, a कितना था 4 था, तो चलिए काट लेते हैं 2 × 4 = 2, 3 = 6 फिर 2 × 3 = 6 तो यहाँ से निकल जाएगा 8, यहाँ से निकल जाएगा 9, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 8/9 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4। तो आज के क्लास में हम लोग बस इस टाइप को अच्छे से कवर कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।